हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अहद हुसैन, योर केमिस्ट्री टीचर। होप यू आर वेरी वेल। सो दिस इज़ योर सेवेंथ लेक्चर ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ फॉर क्लास 11th। सो इन लास्ट लेक्चर वी वर सीइंग व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। So in that lecture we have covered what happens to ionization energy if we move down the group. So we have seen that ionization energy in periodic table and ionization energy, what happened to ionization energy if we move down the group. अगर group में हम नीचे जाते हैं तो ionization energy का क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? तो हमने देखा था S block के लिए क्या होता है, नीचे जाते हैं तो कोई exception नहीं था, पूरा का पूरा क्या हो रहा था, घट रहा था। और ionization energy क्या होती है, amount of energy required to रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। सो इस लेक्चर में अब हम लोग देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी इन डी ब्लॉक। तो हम लोग डी ब्लॉक में आज आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे। तो सबसे पहले डी ब्लॉक क्या होता है, आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए ताकि आप लोग आसानी से सारी चीज़ों को रिलेट कर सकें। अब देखिए, आपके पास पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से होगा, है ना। अब इधर कहीं एस ब्लॉक होते हैं दो ग्रुप मिला करके, बीच में डी ब्लॉक होता है, एक दो तीन चार दस ग्रुप का क्या होगा, डी ब्लॉक, और छः ग्रुप बाद में होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। नीचे क्या होता है, एफ ब्लॉक होता है, ठीक है ना। अब बच्चों एक चीज़ है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर समझ जाएंगे तो आप देखेंगे क्या कि पहला पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ पीरियड से किस चीज़ की स्टार्टिंग हो रही है, डी ब्लॉक की। यानी फर्स्ट डी सब जो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मतलब डी सबसेल की एंट्री हो रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हो रहा है ना। इसको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से समझेंगे तभी समझ में आएगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि सारे में देखिए, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड में ही एस और पी के इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, सेकेंड पीरियड में एस पी के मतलब जो भी है इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, थर्ड पीरियड में एस पी के इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, लेकिन डी का अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहाँ पर जाना पड़ेगा हमको, फोर्थ पीरियड में। और हम जानते हैं डी सबसेल तो थर्ड पीरियड, थर्ड मतलब सेल से ही स्टार्ट हो जाता है, है ना। तो उसके लिए एक चीज़ समझिए आप, देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास स्कैंडियम ले लेते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21, है ना बच्चों। तो 21 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अब ये 4s के बाद 3d आया, ये क्यों आया, इसका रीज़न मैंने बताया है, लेकिन इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर जब सही से समझ में आ जाएगा तो पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ है। तो ये आपके पास कुछ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, स्कैंडियम 21 नंबर का जो एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ, ठीक है। यानी कि स्कैंडियम तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, यहाँ देखिए फोर्थ पीरियड से स्कैंडियम स्टार्ट हो रहा है ना, लेकिन उसके डी सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो 3d में जा रहा है। बात समझ में आई, मैं क्यों कह रहा हूँ कि 3d जो है सीरीज फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होती है, ओके। इस लैंग्वेज को समझिए ताकि आगे आपको आसानी हो सके, है ना। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d 10 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3d यहाँ पे आना चाहिए कहीं बीच में 4s से पहले, लेकिन हम जानते हैं 4s और 3d में 4s की एनर्जी लेवल कम होता है और 3d का ज़्यादा होता है, इसलिए पहले 4s फिल हो जाता है तब 3d का नंबर आता है। बस समझ में आया, यहाँ पर मान लीजिए 4s और 3d मिला करके 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 3d 3 लिख देते हैं, 4s की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। जब n प्लस l रूल हम लोग पूरा समझ लेंगे, सारी चीज़ों को जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए फिलहाल n प्लस l रूल थोड़ा जान लीजिए। जैसे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये वाला होता है, l क्या है इसको बोलते हैं, जैसे s के लिए l की वैल्यू 0, है ना, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2 और f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। n प्लस l का मतलब क्या है, देखिए n इसका कितना 4 और l कितना 0, यानी n प्लस l कितना हो गया 4। अच्छा इसमें देखिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है 2, 3 और 2 5, यानी n प्लस l में ये जीत गया। अब इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, अब एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होगा। बाकी आप किसी में देखिए n प्लस l रूल में, देखिए 1 और 2 में पहले ही हार गया ये, है ना, इसका मतलब इसकी एनर्जी लेवल कम होगी। अब 2s 2p में देखेंगे तो 2 प्लस s की जो l की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0,
टू प्लस जीरो टू, अच्छा टू पी के लिए कितना होता है वन, टू प्लस वन थ्री, यानी एन प्लस एल इसका थ्री आ रहा है, एन प्लस एल इसका टू आ रहा है, तो कौन पहले फिल होगा, टू वाला है ना। अच्छा अब देखिए टू पी और थ्री एस में टू प्लस एल के लिए मतलब एन की वैल्यू इसकी टू है, एल की वैल्यू कितनी है वन, एन प्लस एल कितना हो गया थ्री, इसका एन प्लस एल देखिए थ्री और एस के लिए कितना जीरो, बात समझ में आ रही है। अच्छा इसका भी थ्री आ गया, इसका भी थ्री एन प्लस एल आ रहा है, इसका भी थ्री एन प्लस एल आ रहा है, एन प्लस एल इसका भी थ्री है, टू पी का भी एन प्लस एल थ्री, एस का भी जीरो मतलब थ्री है ना। तो हुआ क्या बच्चों कि इसका जब टाई कर जाए तो आप देखिए कि एन किसका ज़्यादा है ना, पहला नंबर जो ये वाला दिख रहा है किसका कम है, अगर जिसका कम होगा वो पहले फेल होगा और जिसका ज़्यादा उसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा वो बाद में फेल होगा है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में। अच्छा अब 3s और 3p में देखिए किस कौन पहले आएगा, तो n प्लस एल क्या आ रहा है, n इसका 3 है, l 0 है, s के लिए 0 है ना ये। अच्छा n इसका 3 है, l इसका कितना है 1 है, तो 3 1 4 और 3 1 0 3, तो 3 वाला छोटा है 4 वाले से, यानी कि ये एनर्जी लेवल कम है। इन दोनों में देखिए 3 और 1 4, 4 और 0 4, लेकिन इन दोनों में 4 4 का मतलब वो हो गया, n प्लस एल इसका भी 4 आ रहा है, इसका भी 4 आ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है देखिए ये 3 छोटा है ना और ये 4 बड़ा है, तो इसका एनर्जी लेवल कम होगा जब टाई कर जाए, तो इसको देखना पहले वाले को। अच्छा 4s, अब इसमें देख लीजिए n की वैल्यू 4, s l की वैल्यू 0, 4 प्लस 0 4, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2 है ना, d के लिए कितना होता है 2, n प्लस l 5, यानी किसका एनर्जी ज़्यादा है 3d का ज़्यादा, इसलिए 3d बाद में आता है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर कराते समय उसमें कवर कराऊंगा है ना। बात आप अभी समझ लीजिए कि 4s पहले क्यों आ गया और 3d बाद में क्यों आया, यानी कि फोर्थ पीरियड से 3d सबसे स्टार्ट होता है इनका, 3d में इलेक्ट्रॉन जाना किसी भी एलिमेंट में फोर्थ सेल से स्टार्ट होता है, बात समझ में आई, फोर्थ पीरियड से। अब आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा है ना बच्चों, अगर नहीं समझ में आया तो वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी सी समझ बढ़ जाए, जो बच्चे समझ गए हैं अच्छी बात है, और जो नहीं समझे हैं उनके लिए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी बहुत अच्छे से पढ़ाना है बच्चों है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब ये हमारे पास डी जो है डी का जो है फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होना, देखिए फर्स्ट क्या है ये, सेकंड ये वाला, थर्ड ये, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, फोर्थ चौथे पाँचवें छठवें सातवें पीरियड में कौन होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ठीक है ना, लेकिन चौथे पीरियड में कौन सा डी सबसेल भरेगा, थर्ड वाला, तो पाँचवें वाले में कौन सा भरेगा, फोर्थ वाला डी सबसेल, छठवें वाले में कौन सा डी सबसेल भरेगा, छठे में कौन सा डी सबसेल भरेगा, पाँचवा 5d, और इसमें सातवें में कौन सा डी सबसेल भरेगा, 6d, बात समझ में आई। यानी कि जितना भी पीरियड नंबर होगा उसको सेल बोलते हैं n, और उससे एक माइनस कर दीजिए, यानी n माइनस 1d सबसेल बोला जाता है, इस तरीके से कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं। अब होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए हम लोग को आज क्या पढ़ना है, आयनाइजेशन एनर्जी इन डी ब्लॉक ठीक है, डी ब्लॉक में हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे। तो क्या होता है ग्रुप थ्री के लिए, 3d इज़ ग्रेटर देन, 4d इज़ ग्रेटर देन 5d, इसका मतलब क्या है बच्चों कि ग्रुप थ्री में कौन से एलिमेंट होते हैं, अभी डी ब्लॉक में मैंने जब दिखाया है तो स्कैंडियम यहाँ होगा थर्ड में, और उससे नीचे यट्रियम होगा, उससे नीचे लैंथेनम होगा, और उससे नीचे एक्टिनियम होगा, बस समझ में आ रहा, लैंथेनम और एक्टिनियम क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक की गलती मत करिएगा बच्चों, इससे आगे के एलिमेंट जो होते हैं वो एफ ब्लॉक के होते हैं, ये मैंने पहले भी बता चुका है आपको ठीक है। तो ग्रुप थ्री में जो 3d होगा वो ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी 4d से और 5d से, इसका मतलब क्या है बच्चों कि 3d कहाँ शुरू हो रहा था, फोर्थ पीरियड से, फोर्थ पीरियड कहाँ है, स्कैंडियम से शुरू हो रहा था ना, ये फोर्थ पीरियड है, सिक्स है, सेवन्थ है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, और ये सेवन्थ पीरियड है, तो फोर्थ में 3d इंटर होगा, फिफ्थ में 4d इंटर होगा, सिक्स पीरियड में 5d इंटर होगा, और सेवन्थ पीरियड में 6d की एंट्री होगी। तो यहाँ पे कहने का इसका यही मतलब है कि 3d का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा, यानी स्कैंडियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा 4d से, 4d मतलब जो 4d का मतलब एक प्लस कर लीजिए सेल के लिए फिफ्थ पीरियड से, 3d का मतलब 3 प्लस 1 कितना होता है फोर्थ, यानी फोर्थ पीरियड में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका 4d, यानी कि जो फिफ्थ पीरियड में जो एलिमेंट होंगे उनसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, सिंपली ये समझा दिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ होती है, कई बच्चों को नहीं समझ में आती है, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ बच्चों है ना, इससे आसान तरीके से कोई बताने का मतलब नहीं ठीक है। 3d 4d 5d लिखने का मतलब क्या है, 3d मतलब ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, 4d का मतलब ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है,
5d का मतलब ये 6 पीरियड के एलिमेंट्स हैं। आप उठा के पीरियोडिक टेबल देखिए कि फोर्थ पीरियड में पहला एलिमेंट स्कैंडियम होगा, उसके बगल में टाइटेनियम होगा, उसके बगल में वैनेडियम होगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। फिर उसके नीचे आप जाएंगे तो जो क्या है 4d है, 4d में कौन सा एलिमेंट होगा स्टार्ट, येट्रियम, ठीक है ना। उसके बाद उसके बगल में जिरकोनियम आएगा, यानी 4d में ही कौन कौन से होंगे, येट्रियम, जिरकोनियम। अब 4d कहाँ से स्टार्ट होता है, फिफ्थ पीरियड से। बात समझ में आई बच्चों? अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो एक बार और सुनिए। 3d फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, 4d फाइव पीरियड से स्टार्ट होता है, और 5d सिक्स पीरियड से स्टार्ट होता है। ये कैसे समझ में आएगा, जब उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब देखेंगे कि जो फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट थे उसमें जब d इलेक्ट्रॉन जाता है वो तो 4d में जाता है, यानी n-1d में जाता है। बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो बहुत से बच्चों को नहीं आती है, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, है ना, आ जाएगा। जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आम सी बात हो जाएगी। अच्छा, तो हमारे पास टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 10। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। चलिए, एक जो थर्ड पीरियड है उसकी अलग से बात कर लिया है, और थर्ड ग्रुप जो है उसकी अलग से बात कर लिया, और 9 ग्रुप अलग से बात कर रहा है। टोटल 10 ग्रुप की बात करनी है ना, तो थर्ड ग्रुप में हम देख लिए कि जो 3d होगा, यानी जो कि फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा, उसकी फिफ्थ पीरियड से ज़्यादा होगी, यानी 4d से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, और 4d जो कि फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है उसकी 5d यानी सिक्स पीरियड के एलिमेंट जो है उससे ज़्यादा होगा, है ना। अब एक ही ग्रुप की बात हो रही, थर्ड ग्रुप की, ऐसे देख लीजिए आप बच्चों, एक बार और देख लीजिए, कई बच्चों को डाउट बहुत रहता है। अब ये देखिए डी ब्लॉक का एलिमेंट है, मेरे कहने का मतलब क्या है, क्या बोल रहा है, 3d इज़ ग्रेटर देन 4d इज़ ग्रेटर देन 5d, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है ना, थर्ड ग्रुप की बात कर रहा है। थर्ड ग्रुप कौन है, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। अब थर्ड ग्रुप में हमको कंपेयर करना है, तो क्या कंपेयर करना है बच्चों, कि 3d इज़ ग्रेटर देन 4d, तो 3d कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ पीरियड से। देखिए 1, 2, 3, 4, एक फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड। तो ये फोर्थ पीरियड से 3d स्टार्ट होगा, n-1d होता है। तो अगर पीरियड फोर्थ है, तो अगर उसकी सबसेल की बात करें कि कौन से सबसेल में, डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 3d में आएगा। तो 3d का 4d यानी जो फिफ्थ पीरियड से एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, यानी येट्रियम, फिफ्थ पीरियड से 4d वाले का, 3d वाले का, फिफ्थ पीरियड के 4d वाले से फोर्थ पीरियड का 3d वाले का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ये समझ में आ जाता है। अच्छा, अब बोला है कि जो ये आपका 4d है वो 5d से ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी। बात समझ में आई, सीधे के मतलब कहने का आप ये समझ लीजिए, स्कैंडियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, येट्रियम की उससे कम, लैंथेनम से की उससे कम। बात समझ में आ गई बच्चों, ये सिंपल सी बात होगी। अब हम लोग किस ग्रुप की बात करेंगे, इसकी, इन सारे ग्रुप की। एक ग्रुप को हमने अलग से बात कर लिया, अब हमारे पास क्या क्या है, 4, 5, 6, 10, इसको हम लोग एक साथ बात करेंगे। देखिए फोर्थ ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, और 10 यहाँ हो गया, इसकी हम लोग एक साथ बात करेंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा बच्चों, घबराइए नहीं, जब तक आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से डीप में नहीं पढ़ लेंगे, ये चीज़ नहीं समझ में आती है कई लोगों को। आप लोग सिंपली देखिए और आगे चलिए, क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो और क्लियर होगा। और जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग 100% अच्छे से पढ़ लेंगे मुझसे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एकदम आसान हो जाएगी। घबराइए नहीं, पेशेंस मत खोइए, ठीक है। अब ऐसे ही मैं डायरेक्ट बात कर लूँगा, डायरेक्ट बता दूंगा, आप लोग पीरियोडिक टेबल में खुद कंपेयर कर लीजिएगा, है ना। मैं लिख दूंगा एलिमेंट को, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि इससे इजी तरीके से नहीं बताया जा सकता। तो थर्ड ग्रुप में आप देखने, फोर्थ ग्रुप में उठाइएगा तो 5d इज़ ग्रेटर देन 4d इज़ ग्रेटर देन 3d, ये तो उल्टा हो गया। थर्ड ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जा रहे थे, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही, घट रही है, मतलब ऊपर वाले की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, नीचे वाले की आयनाइजेशन एनर्जी कम है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और टेंथ ग्रुप जो होगा, डी ब्लॉक का आप ग्रुप खोलिए तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और टेंथ ग्रुप, इसमें क्या है, उल्टा हो जा रहा ऑर्डर। 5d का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 4d से ज़्यादा है, और उसका 3d से ज़्यादा है, यानी 5d का मतलब जो सिक्स पीरियड के एलिमेंट होंगे डी ब्लॉक के, किस ग्रुप के, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और टेंथ ग्रुप के, जो सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट होंगे उसका फिफ्थ पीरियड के ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी, और जो फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट होंगे उसका फोर्थ पीरियड से ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से ये भी देख लीजिए, ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 10 के लिए क्या है, 5d इज़ ग्रेटर देन 3d इज़ ग्रेटर देन 4d। यहाँ पे डिविएशन ऐसी है कि इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा। 7th, 8th, 9th और ये क्या है, 12th, ठीक है ना।
तो इसमें जो है आपका 5D इज ग्रेटर देन 3D इज ग्रेटर देन 4D हो जाता है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे आप लोग अगर वहाँ से नहीं समझ पाए तो यहाँ से देखिए, थर्ड ग्रुप ये है। थर्ड ग्रुप में क्या होगा, स्कैंडियम, येट्रियम और लैंथनम और एक्टिनियम में कैसा ऑर्डर होगा, ऊपर वाले का ज़्यादा, उससे कम उससे नीचे, उससे कम उससे नीचे, और सबसे कम सबसे नीचे वाले का आयनाइजेशन एनर्जी होगा। फोर्थ का क्या है ऑर्डर, हाँ फोर्थ में क्या होगा, उल्टा पलट जा रहा ना, देखिए फोर्थ वाले में, फोर्थ फाइव सिक्स और टेंथ में क्या हो रहा है कि 5D का ज़्यादा, 4D का कम और 3D का सबसे कम, यानी जो ऊपर होगा वो सबसे कम होगा, टाइटेनियम सबसे कम, जिरकोनियम उससे कम, हैफमियम उससे, सॉरी टाइटेनियम सबसे कम, जिरकोनियम उससे ज़्यादा और हैफमियम सबसे ज़्यादा, ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा। फिफ्थ ग्रुप में आप इससे कंपेयर करके ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी है यहाँ पे, आप लोग देख करके समझ लीजिए, है ना। आगे मुझे आज और कोई टॉपिक पढ़ाना है, इसको आप लोग अगर समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, या थोड़ा और बता देते हैं। चलिए फिफ्थ पीरियड का ये ऑर्डर हो गया कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। सिक्स्थ में भी यही था, जैसे जैसे नीचे जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। सेवन्थ में भी क्या है, सेवन्थ में ऑर्डर बदल जाएगा, 5D की जो है ज़्यादा है सबसे, उससे कम 3D की, उससे कम 4D की, यानी सिक्स पीरियड एलिमेंट की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है, उससे कम फोर्थ पीरियड के एलिमेंट की है, उससे कम फिफ्थ पीरियड की है, सबसे कम फिफ्थ पीरियड की होगी। यानी कि जो सेवन्थ वाला है उसमें कुछ ऑर्डर क्या रहेगा, डिसऑर्डर रहेगा। जैसे मैंगनीज आएगा, मैंगनीज से नीचे टेक्नीशियम आएगा, टेक्नीशियम से नीचे रिहीनियम आएगा। आप ये देखिएगा अपने पीरियोडिक टेबल में ऐसा कुछ रहता है एलिमेंट नीचे ग्रुप वाइज, लेकिन इसका जब ऑर्डर देखेंगे तो रिहीनियम किस सीरीज में आता है, 5D यानी सिक्स पीरियड में आता है, इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, यानी ये ऊपर आएगा सबसे, है ना। उससे कम 3D वाले के, 3D में कौन आता है, जो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड में मैंगनीज आता है, सक्टिव कर्मन, फीको, निको, कर्मन, क्रोमियम, मैंगनीज, थर्ड 3D का है, 3D सीरीज का है ये, यानी फोर्थ पीरियड का है। उससे कम 4D का, यानी फिफ्थ पीरियड का, टेक्नीशियम आप उठा के देखिए 4D सीरीज का है, यानी कि फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। बात समझ आ रहा ऑर्डर। अच्छा एर्थ, एर्थ ग्रुप किसके अंडर में आता है, एर्थ ग्रुप इसी के अंडर में आता है, 5D ज़्यादा, 3D कम उससे, 4D उससे कम। तो एर्थ पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, आयरन, रुइनियम, ऑस्मियम। इसमें क्या है, फिफ्थ 5D कौन है, ऑस्मियम होगा सबसे ज़्यादा, फिर 3D कौन है, आयरन होगा उससे कम, और रुहिनियम क्या है, 4D है। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी का ये ऑर्डर होता है। ये जो समझ लिया ना बच्चों, आप समझ लीजिए कि अभी से आप लोग बहुत स्ट्रांग पकड़ बना लिए हैं। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आता है, लगभग 70-80% बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, क्योंकि जब एटमिक स्ट्रक्चर सही से पढ़े ही नहीं रहेंगे तो ये चीज़ समझ में ज़्यादातर बच्चों को नहीं आती है। अब कुछ बच्चे बेसिक लेक्चर अच्छे से देख के समझ जाते हैं, है ना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। ग्रुप 9 के लिए कौन सा ये रूल फॉलो करता है, ग्रुप 9 इस वाले में आता है, 5D की ज़्यादा होगी, 3D की उससे कम, 4D की उससे कम। बात समझ में आ रही, तो देखिए ये क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है आपका 3D है, रुनियम 4D है, और इरिडियम 5D है, यानी कोबाल्ट फोर्थ पीरियड का है, रुनियम 5 पीरियड का है, और इरिडियम 6 पीरियड का है, ठीक है ना। तो 5D, 4D, 3D, तो 5D सबसे ज़्यादा, तो इरिडियम के सबसे ज़्यादा, फिर 3D में कौन है, कोबाल्ट है, फिर 4D में रेनियम होगा, वो नीचे चला जाएगा, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी इसी की हो जाएगी। अच्छा टेंथ वाला किसको फॉलो करता है, टेंथ वाला ये वाला रूल फॉलो करता है, 5D इज ग्रेटर देन 4D इज ग्रेटर देन 3D, यानी कि जो सबसे नीचे वाला होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। निकल प्लेटिनम और निकल पैलेडियम प्लेटिनम में जो 5D क्या है, ये नीचे वाला है, उससे ऊपर कौन है, 4D है, उससे कम कौन है, 3D है, यानी कि नीचे वाला ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही, प्लेटिनम जो है सबसे ज़्यादा होगा पैलेडियम से, पैलेडियम भी निकल से ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा ग्रुप 11 किससे मैच कर रहा है, ग्रुप 11 इस ग्रुप में आता है, इस उसमें 5D इज ग्रेटर देन 3D इज ग्रेटर देन 4D। अच्छा 5D इसके लिए कौन है, ग्रुप 11 के लिए 5D आपका AU हो गया, 4D कौन हो गया, AG हो गया, और 3D कौन हो गया, CU। तो 5D इज ग्रेटर देन 4D इज ग्रेटर देन 3D कैसे करेंगे, 5D कौन है, AU सबसे ज़्यादा, इज ग्रेटर देन 3D CU, और इज ग्रेटर देन 4D AG, AG सबसे नीचे चला गया आयनाइजेशन एनर्जी की सीरीज। अब 12th ग्रुप किस में आता है, 12th ग्रुप 5D इज ग्रेटर देन 3D इज ग्रेटर देन 4D उसी में आएगा। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या होगा, ये तो आपका क्या हो गया 5D, ये 4D हो गया, ये 3D हो गया, तो 5D इज ग्रेटर देन 3D इज ग्रेटर देन 4D होगा। तो 5D कौन है, HG की सबसे ज़्यादा, है ना, और उस 5D के बाद कौन आएगा, हाँ 3D, 3D कौन है, जिंक, ठीक है ना, जिंक की ज़्यादा, मतलब जिंक की उससे कम, और 4D की सबसे कम हो जाएगी, यानी कैडमियम की सबसे कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी बच्चों आप लोगों को, अभी इतने आसानी से समझाने के बाद अगर नहीं समझ में आया
तो कोई कुछ नहीं कर सकता बच्चों, आपको वेट करना ही पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। घबराना नहीं है बच्चों, ये सारी चीज़ें बहुत आसान कर दूंगा मैं एकदम, आप लोगों के लिए कोई ये सब बड़ी चीज़ नहीं रह जाएगी। अब देखिए कंपैरिजन कुछ कर लेते हैं, कंपैरिजन IE1 एंड IE2 ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अच्छा देखिए आयनाइजेशन एनर्जी हमने सक्सेसिव वाले भी बताई थी, एक तो ये होता है कि एक ही एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, और एक ये होता है कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। अब ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो माइनस बनेगा, और दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो टू माइनस बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी यानी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ कॉन्सेप्ट था कि हाफ फील्ड और फुली फुल फील्ड अगर ऑर्बिटल होगा तो उसमें से निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटम को बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे तब हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब ये देखिए ये सब कॉन्सेप्ट जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो IE1 आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब कंपेयर करना है तो नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ 1s2 2s2 2p3 आएगा इस तरीके से। अच्छा देखिए पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये हम जानते हैं, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो पी में 6 आ सकते हैं, तो 6 तो फुली फील्ड हो जाता, लेकिन 3 क्या है, हाफ फील्ड है। अब हाफ फील्ड है तो ये थोड़ा सा स्टेबल होगा, यानी कि इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा। अच्छा ऑक्सीजन में देखिए -2 2s2 2p4। अच्छा पी में आना चाहिए 6 लेकिन है 4, क्या ये फुली फील्ड है, नहीं। हाफ फील्ड है, नहीं। इसका मतलब ये क्या है, ये पार्शियली फील्ड है। अगर हाफ फील्ड होता तो इसकी मतलब इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती, लेकिन ये हाफ फील्ड नहीं है, फुल फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब इसको आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले वाले आयनाइजेशन एनर्जी में कौन जीत गया, IE1 ऑफ नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर देन IE1 ऑफ ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते समय देखा गया कि इसका लास्ट सबसेल जो है हाफ फील्ड आ रहा है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल, ओके, हाफ फील्ड सबसेल्स आर स्टेबल, तो उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब हम लोग देखेंगे IE2 ऑफ नाइट्रोजन एंड IE2 ऑफ ऑक्सीजन, दोनों कंपेयर करना। तो पहले आयनाइजेशन एनर्जी में नाइट्रोजन जीत गया, नाइट्रोजन को ज़्यादा एनर्जी देनी है। अब दूसरे में देखते हैं, अच्छा जैसे ही नाइट्रोजन 7 में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1s2 2s2 2p3 था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा ना उसका इलेक्ट्रॉन, यानी कि नाइट्रोजन माइनस हो जाएगा एन माइनस, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब पी क्या फुली फील्ड है, नहीं, दो ही इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, 3 या 6 है 2, यानी पार्शियली फील्ड है। अच्छा ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था, यहाँ 2p4 था, तो अब क्या हो जाएगा, 2p3। बात समझ में आ रही, तो अब देखिए ये हाफ फील्ड हो गया, यानी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसको ज़्यादा देनी पड़ेगी, ऑक्सीजन को। तो IE2 ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ नाइट्रोजन। तो पहला आयनाइजेशन एनर्जी किसका बढ़ा था, नाइट्रोजन का। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी बढ़ी है, ऑक्सीजन की। और हम जानते हैं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हम लोगों को किसी भी एटम में से दो इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है बच्चों, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उससे कहीं ज़्यादा सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देनी पड़ती है। ये जनरल बातें हैं, कहीं पे एक्सेप्शन दिखेगा आपको तो परेशान नहीं होगा, केमिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ना है हमको। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन हम देखते हैं एक और, IE1 एंड IE2 ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज। अच्छा क्रोमियम और मैंगनीज के बारे में आपको पहले सबसे उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो क्रोमियम का होता है 24, मैंगनीज का होता है 25। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे, -2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखिए 5s पहले आया, फिर क्या है 4s पहले आया, फिर 3d आया, है ना। अच्छा मैंगनीज का क्या होगा, -2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अच्छा अब आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, ये 3d 3d बराबर है 5 5। अच्छा इससे पहले देखिए 4s में 1 है, 4s में 2 है ना, यानी कि ये s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें एक ही है, s में 2 है, यानी कौन स्टेबल दिख रहा, सीधे ही दिख रहा मैंगनीज स्टेबल है। इसके जो है यहाँ पे हाफ फील्ड है और यहाँ पे फुल फील्ड है। लास्ट सबसे लास्ट देखिए ये क्या है, s में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए हैं, इसमें एस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी IE1 किसका ज़्यादा हो जाएगा, मैंगनीज का ज़्यादा हो जाएगा। सीधी बात जान लीजिए, क्या है क्रोमियम का हाफ फील्ड है और मैंगनीज का क्या है, फुली फील्ड है। देखिए हाफ फील्ड कैसे हुआ क्रोमियम का, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए लेकिन है एक, और इसका फुल कैसे हुआ, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए है 2, यानी कि ये क्या है, IE1 ऑफ मैंगनीज इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ क्रोमियम। देखिए लिखा है IE1 आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ मैंगनीज इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ किससे, क्रोमियम से। मैंगनीज जीत गया पहले वाले में, सेकंड में क्या होगा, मतलब पहले 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो IE2 में अब कंपैरिजन किया जाए। अब मैंगनीज का क्रोमियम का 24 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कितना बचा, 23। अब 23 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे,
माइनस टू टू एच टू टू पी सिक्स थ्री एच टू थ्री पी सिक्स फोर एस जीरो थ्री डी फाइव है ना, फोर एस जीरो थ्री डी फाइव। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था ना, देखिए फोर एस में वन में था एक इलेक्ट्रॉन, अब ये निकल जाने के बाद क्या बचेगा इसके पास, फोर एस जीरो थ्री डी फाइव। अच्छा अगर भरते हैं तो ऐसे नहीं भरते बेटा, पहले फोर एस आता फिर थ्री डी आता, लेकिन यहाँ पे क्या है ये क्रोमियम अपने आप में एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे बेटा अगर सही से देखा जाए तो फोर एस टू थ्री डी फोर होना चाहिए, लेकिन अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का आप लोग गेम समझेंगे आगे। क्रोमियम में फोर एस टू थ्री डी फोर होना चाहिए था, आप सही से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आपको लगेगा कि एस में तो पहले दो इलेक्ट्रॉन भरेगा तब ना थ्री डी में जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है भरता है और थ्री डी में फिर फोर इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इससे जंप करा लेता है, क्योंकि 4s और 3d का एनर्जी लेवल सेम होता है और स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी हो सकता है, केमिस्ट्री में पॉसिबल है सब कुछ। ठीक है बच्चों, अब मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, सब चीज़ नहीं बोलूँगा, कन्फ्यूज नहीं ज़्यादा करूँगा आप लोगों। अभी हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अभी छोटा छोटा ले लेते हैं, और इसका जो डेप्थ है हम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा बच्चों, आप लोग घबराइए नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोगों की बहुत नॉर्मल सी बात हो जाएगी है ना, कुछ नहीं है ज़्यादा। तो आई ई वन में हम क्या देखें, मैंगनीज जीत गया था। आई ई टू में क्या देख रहे हैं कि अब इसका कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने के बाद ऐसा बना और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कुछ ऐसा बना, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों कि इसका फोर एस जीरो हो गया तो इससे स्टेबिलिटी अब देखी नहीं जाएगी, अब इससे देखिए थ्री डी फाइव, इसका मतलब हाफ फील्ड है। अच्छा इसका देखिए लास्ट वाला क्या है, फोर एस वन, इसको मत देखिए लास्ट वाले को देखते हैं। फोर एस वन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में से निकलेगा ना, इसका तो डी में से निकलेगा, डी में पाँच इलेक्ट्रॉन है यानी कि हाफ फील्ड है, दस आ सकते हैं पाँच है, इसमें दो आने चाहिए एक है यानी कि हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, तो अब स्टेबल कौन हो गया, क्रोमियम स्टेबल हो गया, यानी कि अब क्रोमियम को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मैंगनीज में से मैंगनीज प्लस में से आसानी से निकल जाएगा, क्रोमियम प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, मैंगनीज प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है क्रोमियम प्लस के मुकाबले, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैंगनीज। ये क्वेश्चंस हो गए आपके सॉल्व। अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे, ठीक है बच्चों, हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी का पार्ट ख़त्म कर चुके हैं, अब हम लोग आ जाते हैं, चलिए बच्चों इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट बचा है इसको मैं एक ही लेक्चर में कवर कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बीच में मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर जो है दोबारा से कहीं से ब्रेक हो हमारा लेक्चर, ठीक है। ये छोटा हो गया थोड़ा सा लेक्चर, कोई बात नहीं है, मैं नेक्स्ट लेक्चर को थोड़ा सा और लेंदी करके लगभग एक घंटे का करके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा केस करा दूंगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक लेक्चर की और बात है। सो अब ऐसा ना बनाए कि बीच में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, जब सीरीज से होता है और पूरा कंप्लीट होता है तो समझ में आता है, एक बार बैठता बच्चा और पूरा अच्छे से पढ़ लेता है। तो अब 20 मिनट में अगर मैं पढ़ाऊँगा अभी 15 मिनट 20 मिनट जो भी टाइम है तो उसमें सारे चीज़ें आ नहीं पाएंगी, है ना, तो आधा अधूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने से बढ़िया है कि एक लेक्चर बना दूँ एक घंटे का और पूरा उसमें सब कुछ समझा दूँ। तो कल के लेक्चर में आप लोगों को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, इसी में इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो ये जितनी भी टर्म होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी भी आपको बार बार यूज होनी है जब आप लोग इनऑर्गेनिक वगैरह पढ़ेंगे आयनाइजेशन ये क्या बोलते हैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ों की बार बार ज़रूरत पड़ेगी, है ना बच्चों। तो ये जितने भी टर्म्स मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इंपॉर्टेंट है ये सब, तो ये बार बार यूज होने वाली चीज़ें अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, कोशिश नहीं हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को, अब इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं बच्चों, ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।